इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये दायित्व बनता है कि वो निष्पक्ष होकर वो काम करें, और अभी जो बहुत सारे मिसालें आ रहे हैं जिसमें खुलेआम रूप पर बीजेपी उल्लंघन कर रही है, प्रधानमंत्री जी की एडवर्टाइजमेंट्स जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पे जो चार्जेस है वो सफेद झूठ है। ये बिल्कुल सही है कि ईडी पूरे तौर पर एक पॉलिटिकल विंग के रूप में, एक बीजेपी की एनडीए के हिस्से के रूप में काम कर रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि ईडी ने रेड किया, उस रेड के दबाव में लोगों ने फिर पैसा दिया। तो अभी जो आपके ऊपर जिस प्रकार कर रहे हैं, जबकि चुनाव का घोषणा हो चुका है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अरविंद केजरीवाल को और आपके लीडर्स को इस तरह घेर कर चुनावी प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप करके वो रूलिंग पार्टी के पक्ष लेने का काम कर रहे हैं। और इलेक्टोरल नाम बाहर ना है, इसको लेकर बात करिए, डीएम की रीचेज आउट टू डोनर्स। आप बताइए बीजेपी डर क्यों रही है? वे आपने पैसा लिया, दुनिया को जानना चाहिए ना, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है हमारे हर नागरिक का। और मैं तो कहती हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर लॉयर्स को लेकर आप जा रहे हैं कि भाई नाम नहीं बताना है, और नाम अगर बताना भी है तो चुनाव का प्रचार करने में लोगों को रोको। तो जब तुमने इतना प्यार किया तो डरना का है कि, अरे प्यार किया, पैसा लिया, अब क्यों डर रहे हो? दूसरी तरफ बिजली के जो व्हाट्सएप मैसेज विकसित भारत को लेकर आ रहे हैं, इस पर आप एक्ट कीजिए, कार्रवाई कीजिए। नहीं, वो जो मैसेज आया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, तो यहाँ खुलेआम उल्लंघन है, तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को तुरंत करना चाहिए। इसके अलावा राशन के जो बोरियां हैं उस पर भी मोदी जी का बड़ा फोटो छपा हुआ है। ये मोदी जी की खेती से तो नहीं आ रहा है ना, ये क्या मोदी जी के फोटो छपवाएंगे, वो तो जनता की टैक्स से ये आ रहा है। तो इसलिए ये भी करना बिल्कुल गलत है, इलेक्शन कमीशन को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। Destroying institutions like Election Commission of India, and are BJP so nervous to face people that they are turning Election Commission of India to party of the target opposition? Election Commission of India has to, right from the beginning of this process of elections, has to take a very clear-cut position of impartiality. Many examples have been given to the Election Commission as to how already the BJP in its government is breaking those rules. So naturally, the Election Commission is expected to immediately intervene. There's absolutely no denying the fact, even the electoral bond case has shown it, that how the ED was used as a political arm of the BJP to coerce people, to raid people, and then after they give money to the ruling party, that case gets frozen. So right now, on the eve of elections, to target AAP and Arvind Kejriwal ji is absolutely a politically motivated action to help the Bharatiya Janata Party. It's very, very clear. Opposition bonds data keep names out, DMK reaches out, don't. Why is the BJP so shy about it? Arey, when you have had such an open relationship with your crony capitalists, now why are you wanting to protect yourself and them? Why should the names not be disclosed in India? We have a right to information act. We have a right to transparency. And now the BJP trying to conceal that. It's absolutely unacceptable, and we welcome the strong comments of the Supreme Court on this issue.